भाई ये क्वेश्चन दिख रहा है? अरे भाई यही वाला यार, जिसमें है इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 8x। अब आप कहते हो सर एक या दो मार्क्स में इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? भाई टफ आपको लग रहा है, आप पावर देख के पहले डर चुके हो। भाई डरने का नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन की पावर 6x है और नीचे कॉस की पावर 8x है, तो कॉस की पावर 8x को तोड़ सकते हैं, कॉस की पावर 6x इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देख लो ना, साइन की पावर 6x ओवर कॉस की पावर 6x क्या बनेगा? 10 की पावर 6x, और नीचे बना कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ऊपर 1 है तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? sec स्क्वायर एक्स। अब क्या दिख रहा है आपको? 10 की पावर 6x इनटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो भाई 10x को टीलेट कर लो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कंडीशन निकल के आएगी sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो भाई ये पूरा बन गया dt, और यहां पे 10x बन गया t, तो t की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको पता है ना t की पावर 7 अपॉन 7 होएगा प्लस c। अब t की जगह वैल्यू रख दो, 10x की पावर 7 ओवर 7 प्लस c, आंसर आ गया खत्म।